जी आज का हमारा टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एक्सरसाइज सेवन पॉइंट थ्री हम लोग ये टॉपिक जो है लास्ट टू लेक्चर से कर रहे हैं एक्सरसाइज सेवन पॉइंट थ्री के क्वेश्चन नंबर सेवन तक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं आज आ, के लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन इलेवन एंड ट्वेल्व इनशाला तो क्वेश्चन नंबर नाइन आप लोगों को नज़र आ रहा है स्क्रीन पे प्रूव दैट द आर्टीट्यूड्स ऑफ आर ट्राइंगल आर कंकुरेंट ट्राइंगल और वोट होते हैं ये हमने प्रूव करना है उसके लिए आपको पता होना चाहिए इससे आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है बेस लाइन बी सी पर ओपोजिट जो लाइन है तो ये जो ए से बी सी पर जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसको कहते हैं आल्टीट्यूड्स इसी तरह सी से ए बी पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसे कहेंगे ए बी पर आल्टीट्यूड है फ्रॉम सी इसी तरह बी से ए सी पर इस तीन आल्टीट्यूड्स जो हैं वो हम ड्रॉ कर सकते हैं हमने प्रूव ये करना है कि जो आल्टीट्यूड्स हैं दे आर कॉन्कोरेंट यानी ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं और वो पॉइंट है यहाँ पर ओ वैसे ये होते हैं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट और उसी को फुट पॉइंट ऑफ द आल्टीट्यूड्स कहा जाता है आ, ये देखिए शेडेड लाइन से पता चल रहा है कि वो uh, आगे तक जा रहा है क्योंकि इसने लाइन को कट करना है और ये जो लाइन है इट टू ए बी और ये ए बी को यहाँ पर कट भी करिए लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये शो करना है कि ये यहाँ पर ओ oh, ये सारे आल्टीट्यूड तीनों के तीनों इंटरसेक्ट uh, करते हैं इसलिए हमने इसको यहां तक ही शो किया है नाउ कंसिडर A, B and C are vertices of triangle having position vectors A, B and C respectively, right? ये इसके vertices हैं triangle के और इनके position vectors क्या हैं A, B, C position vector आप आग, आपको पता है किसी भी point A को जब हम origin से join करते हैं तो जो vector बनता है उसे कहते हैं point A का position vector. Let altitude on AB and BC. Intersect at origin O zero zero यहाँ पर यह जो O है ये point origin पे है यानी O से A, तक जो है इसका position vector क्या है A, O C का position vector है O C C C के equal है O B B के equal है राइट right? क्योंकि हमने कहा इस तरह से हमने ये ट्राइंगल ली है कि ए बी सी आर द vertices ऑफ ट्राइंगल और ओ इज द ओरिजन मतलब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट uh, हमने शो करना है वो ओरिजन पे है एंड ए बी सी वर्टिस उसके बाद हमने खुद एक किया बी एंड बी सी इंटरसेक्ट एट ओरिजन ओ ए पे जो आल्टीट्यूड है ओ सी और बी सी पे जो आल्टीट्यूड है ए इंटरसेक्ट एट ओरिजन ओ ओनिजन पे अब कौन सी साइड रहेगी ए बी और बी सी के आर्टीट्यूड को हमने डिस्कस कर लिया अगर ए सी का भी ए सी पे भी जो आर्टीट्यूड ड्रॉ हो रहा है ओ बी ये भी ओ पे इंटरसेक्ट करता है तो इसका मतलब आपके सारे आर्टिट्यूड जो है वो कंकुरेंट है ये हमने अब शो करना है सिंस ओ सी इज पर पेंडिकुलर टू ओ बी ए बी ओ सी एज पर पेंडिकुलर टू दिस लाइन ए बी सो ओ सी डॉट ए बी इज इक्वल टू जीरो स्केलर प्रोडक्ट में कल पढ़ा हम लोगों ने कि अगर दो वेक्टर्स पर पेंडिकुलर हैं एक दूसरे के तो उनकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो जाएगी और दो वेक्टर्स अगर इक्वल मतलब ओ सी और ओ सी के अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो उसी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी क्यों क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट डेफिनेशन बाय डेफिनेशन किसके इक्वल है यू डॉट बी इज इक्वल टू यू का मैग्नीट्यूड वी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन यू एंड बी अगर यू और वी पर पेंडिकुलर होंगे तो एंगल होगा नाइन्टी डिग्री कॉस नाइन्टी डिग्री हो जाएगा जीरो इसका मतलब वो जीरो के इक्वल है तो यहाँ पर आपके पास आ गया ओ सी डॉट ए बी इज इक्वल टू जीरो ओ सी की जगह पे उसका पोजीशन वेक्टर डाल दिया सी ए बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा ए बी का पोजीशन वेक्टर होगा बी माइनस ए क्योंकि बी का पोजीशन वेक्टर ए है और ए का पोजीशन वेक्टर ए है तो ये आपके पास आ गया ए बी इज़ इक्वल टू बी माइनस ए तो c dot b minus a is equal to zero. डॉट प्रोडक्ट ले ली जस्ट जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं c dot b minus c dot a इज equal टू zero. also ओ ए इज पेंडिकुलर टू क्योंकि ओ ए जो है वो बी सी पर आल्टीट्यूड है तो हमने ड्रॉ ही ऑल्टीट्यूड किया है तो इसका मतलब दोनों पर पेंडिकुलर है तो ओ ए डॉट बी सी इज इक्वल टू जीरो A, B, का पोजिशन वैक्टर है ए बी सी का पोजिशन वैक्टर आ जाएगा बी माइनस सी सॉरी सी माइनस बी क्योंकि एंड वाले पॉइंट का पहले आता है सी माइनस बी ए डॉट सी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो ब्रैकेट ओपन की ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो अब ये वन और टू दोनों जो है वो उनका सी डॉट बी माइनस सी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो है एडिंग वन एंड टू दोनों को ऐड कर लेंगे दोनों को ऐड करने से क्या हो जाएगा सी डॉट बी माइनस सी डॉट ए प्लस ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को आपने एड कर लिया तो इस साइड पर तो जीरो ही है राइट हैंड साइड पर जीरो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड को हम देखते हैं डॉट uh, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज uh, मैंने आपको करवाई थी अगर नहीं भी करवाई थी तो पेज नंबर 344 पे गिवन है वो आपने याद कर लेनी है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आप अभी रिपीट भी कर देती हूँ ठीक है okay. उनमें से एक प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी सी डॉट बी माइनस सी डॉट ए प्लस सी डॉट ए माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो बिकॉज ए डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए स्केलर प्रोडक्ट जो होती है ये कोमोटेटिव होती है चाहे आप a को c से मल्टीप्लाई करें या c को a से मल्टीप्लाई करें आपका आंसर सेम आएगा अब ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास रह जाएगा सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो बी को कॉमन ले लिया सी माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो दिस इम्पलाइज दैट ए सी डॉट ए बी इज इक्वल टू जीरो बिकॉज ए सी इज इक्वल टू सी माइनस ए हेंस ए सी इज परपेंडिकुलर टू ओ बीट ऑफ द ट्राइंग मतलब ए सी अगर ओ बी के परपेंडिकुलर है इसका मतलब ओ बी इज द आल्टीट्यूड ऑफ ए सी और वो भी ओ से गुजर रहा है इसका मतलब आपके तीनों के तीनों जो हैं वो एक ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं एंड दे आर कंकोडेंट यही हमने प्रूव करना था राइट right. प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रही थी प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट या प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट पेज नंबर थ्री पे गिवन है इम्पॉर्टेंट uh, है ऑब्जेक्टिव के लिए उसमें क्या है यू डॉट पी इज इक्वल टू जीरो लेट यू वी एंड लेट सी बी रियल नंबर नहीं लिख रही उसने गिवन है यू वी और डब्ल्यू जो हैं पर हैं, कोई रियल है यू डॉट वी इज इक्वल टू अगर जीरो हो तो इट मीन्स यहाँ तो यू इज इक्वल टू जीरो है या वी इज इक्वल टू जीरो है यहाँ पर दोनों क्या है परपेंटिकुलर है यू डॉट वी इज इक्वल टू वी डॉट यू कॉमोटेटिव होती है डॉट प्रोडक्ट यानी आप चाहे यू वी इज इक्वल टू वी यू होता है एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है इसमें यू डॉट वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू यू डॉट वी प्लस यू डॉट डब्ल्यू ये कौन सा लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है इसमें इसके अलावा सी यू डॉट वी इज इक्वल टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में जो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है सी यू डॉट वी राइट और फिफ्थ प्रॉपर्टी जो क्या है यू डॉट यू किसके इक्वल होता है इसका स्क्वायर यू के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है राइट right, ये प्रॉपर्टीज एंड डॉट प्रोडक्ट की uh, हो सकता है मैंने पहले भी लेक्चर में करवाई हूं अगर नहीं करवाई तो अब आप इसको अच्छी तरह से कर लें ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रूफ्स नहीं है इसके राइट right? अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या है प्रूव दैट that... कोस एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस एल्फा बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा ये टेग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि कोस एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस एल्फा बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा कोस एल्फा प्लस बीटा की एक्सपेंशन इसको अब हमने प्रूव करना है बाई वैक्टर्स सॉल्यूशन में आ जाएंगे कंसिडर टू यूनिट वैक्टर्स एंड बी यूनिट वैक्टर्स हैं ए और बी मेकिंग एंगल एल्फा एंड माइनस बीटा विद पॉजिटिव एक्सेक्सेज यहाँ से को पता चलेगा ये फिगर से देखें ये देखेस और वाई एक्स प्लेन है ओ ए एक यूनिट वेक्टर है इसका पोजीशन वेक्टर है एयर ए इज अट वैक्टर हेयर ओ बी और इसका यूनिट वेक्टर है बी ओ एक्स एक्सेस के साथ जो एंगल बना रहा है एल्फा और ओ भी जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन चेंज है इसलिए माइनस बीटा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल लेते हैं इस तरह से उसको वो माइनस नेगेटिव एंगल्स होते हैं क्योंकि एंगल्स जब भी हम मेयर करते हैं वो एंटी क्लॉक वाइज मेयर करते हैं ठीक है तो अब जो ए है यूनिट वेक्टर इट कैन बी रिटर्न एज कोज एल्फा आई प्लस साइन एल्फा ये वेक्टर्स को लिखने का तरीका है कि जो ए वेक्टर है और ये ए वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल बना रहा है अल्फ़ा तो इट कैन बी एल्फाइट एल्फा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे और बी को लिखा जा सकता है कोस माइनस बीटा आई प्लस साइन माइनस बीटा जे क्योंकि बी जो है वो एंगल बना रहा है बीटा कोज में से एंगल नेगेटिव साइन उसको सिम्पलीफाई करके लिख लेंगे कोज में से नेगेटिव साइन बाहर नहीं आता कोज इज एन इवन फंक्शन यह आ जाएगा कोज बीटा आई लेकिन साइन में से नेगेटिव साइन बाहर आता है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन बीटा जे अब बी बी वैक्टर हमने कोज और साइन की फॉर्म में लिख के रख लिया ए वैक्टर भी रख लिया नाउ ए डॉट बी इज इक्वल टू कोज अल्फा आई कंसिडर किया यानी डॉट प्रोडक्ट ले ली ए और बी की तो ये आपके पास इस तरह से आपने ए और बी की वैल्यूज पुट करके लिख दी अब जस्ट सिंपल जैसे ब्रैकेट्स ओपन करते हैं इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा कोज अल्फा कोज बीटा माइनस साइन साइन बीटा जी कोज अल्फा कोज बीटा ये आपने ब्रैकेट्स ओपन करनी है कोज अल्फा कोज बीटा आई डॉट आई कोज अल्फा आई माइनस साइन बीटा जे अब जो आई डॉट जे है उसका आंसर क्या होता है जीरो प्रॉपर्टीज में कल करवाया था आई डॉट जे इज इक्वल टू जीरो एंड आई डॉट आई इज इक्वल टू वन क्योंकि आई और जे जो ये है ये यूनिट वेक्टर्स हैं इसलिए आई डॉट आई इज इक्वल टू वन हो जाता है आई का मैग्नीट्यूड भी वन है इसलिए वन का स्क्वायर वन हो जाता है अभी भी प्रॉपर्टी में मैंने आपको करवाया कि दो पैरेलल या जो सेम वेक्टर्स हैं इक्वल वेक्टर्स हैं दो उनकी डॉट प्रोडक्ट जो है उन्हीं के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होती है और उनकी जो डॉ अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो के इक्वल होती है इसलिए जो आई डॉट जे वाली टर्म्स हैं या जे डॉट आई वाली टर्म्स हैं वो दोनों जीरो हो गई और ये दो आपके पास बच गई कोज एल्फा कोज बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा बट वी हैव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा ये जाहिर नज़र आ रहा है आपको ए ओ बी जो एंगल है ये अल्फ़ा प्लस बीटा है तो ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोज अल्फ़ा प्लस बीटा बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ये इसके इक्वल होता है अब ए एक यूनिट वेक्टर है बी भी यूनिट वेक्टर है इनके मैग्नीट्यूड जो है वो वन वन के इक्वल आ जाएंगे कोज अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास आ गया कोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोज अल्फा कोज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और यही हमने प्रूव करना था क्लियर अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है थर्ड पार्ट पे आ जा रहे, आते हैं लेकिन पहले आप क्वेश्चन पढ़ लें प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल ए बी सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्यर माइनस टू सी ए कोस बीटा एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र माइनस टू ए बी को सी ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो हम वैक्टर्स के मेथड से प्रूव करेंगे थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या है B2 BC, CA AB. बस आपने, आपने जिस तरह से सपोजिशन की है उसी तरह से उसको चलाना है लास्ट जो आपका क्वेश्चन था उसमें जब हमने ट्राइंगल ली थी क्वेश्चन नंबर नाइन उसमें जब हमने ट्राइंगल ली थी तो हमने ए बी सी पॉइंट लिए थे और उनके पोजिशन वैक्टर ए बी सी लिए थे यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर हमने क्या किया है Vertices क्या हैं ट्राइंगल के ए बी और सी ए बी का पोजिशन है सी बी सी का पोजिशन वैक्टर है ए और ए सी का वैक्टर है B के इक्वल है पोजिशन वैक्टर सॉरी नहीं ए बी एंड सी आर वैक्टर्स अलॉन्ग द साइड्स साइडल बी सी सी एंड ए बी

और सी ए डायरेक्शन है ट्राइंगल लॉ एडिशन जो है उसमें ये था उसकी हेल्प से यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो दोबारा एक दफा देख लीजिएगा आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी उसमें क्या था कि ए प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी के इक्वल आना था और उसको फिर आपने सॉल्व करना था तो आपके पास ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आ जाना था जी तो इसकी हेल्प से जो है हम यहां पे अभी इतना ही रहने बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो माइनस सी उसके अलावा एक और चीज आप इसमें देख लें कि ये जो ए बी ए सी एंगल है वो ए के इक्वल है और जो बाकी बाहर वाला एंगल है ऑब्वियसली वो जो ये एक्सटेंडेड हुआ हुआ है लाइन ए सी लाइन को एक्सटेंड किया हुआ है ओब्वियसली ये पाई माइनस ए के इक्वल होगा ये एंगल बी है तो ये वाला पाई माइनस बी है ये एंगल सी है तो ये पाई माइनस सी है अच्छी तरह से देख लिया उसके बाद हमें पता चल गया अलॉन्ग दाइड्स ट्राइंगल जो हमने वेक्टर्स लिए हैं वो ए बी सी हैं उनके जो मैग्नीट्यूड है वो उन्हीं के इक्वल है यानी का मैग्नीट्यूड के इक्वल है और उसके अलावा ये इनका इंपॉर्टेंट रिजल्ट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो अब हमने प्रूव करनी है थर्ड आइडेंटिटी उस पर आ जाते हैं जी फ्रॉम इक्वेशन क्वेश्चन वन बी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस सी अभी हमने ये वो जो बताया मैंने आपको बताया कि माइनस सी है, तो है इसको कंसिडर किया उसके बाद टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ अबव इक्वेशन विद बी दोनों साइड्स पे डॉट प्रोडक्ट ले ली है बी डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस सी डॉट बी एंड ब्रैकेट्स बी की जगह पे उसकी वैल्यू डाल दें बी की वैल्यू क्या है अभी माइनस ए माइनस सी उसी इक्वेशन वन से जो हमने फाइंड की थी यानी इधर वाले बी की जगह भी माइनस ए माइनस सी डाल दिया यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट बी और बी इक्वल वेक्टर्स हैं बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर जो है आपने ब्रैकेट्स ओपन कर देनी है ये आ जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट सी उसके बाद इसको ए डॉट ए प्लस ए डॉट सी प्लस a dot c plus c dot c लिखती है जस्ट क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पॉटिटिव है c dot a को हम a dot c लिख सकते हैं क्यों लिखा क्योंकि uh, इसको हमने इस तरह से लिखना था a dot a plus two a dot c plus c dot c अब a dot a uh, a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर a dot c किसके इक्वल आएगा a

अगर पाई होता है या पाई का मल्टीपल होता है तो टिक्नोमेटिक रेशियोस चेंज नहीं होती कोज की जगह कोज ही आएगा और पाई माइनस बीटा का क्या मतलब है ये कौन से क्वाड्रेंट में है ये आपका है पाई माइनस बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में कोज क्या होता है नेगेटिव इसलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस कोज बीटा और अब इसको जरा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो बी स्क्र इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए कोस बीटा इसको ए भी लिखा जा सकता है क्योंकि स्केलर ही है बीटा और यही आपने आइडेंटिटी प्रूव करनी थी फोर्थ पार्ट आपने खुद कर लेना है फ्रॉम इक्वेशन लें लें डॉट प्रोडक्ट इसी तरह सॉल्व करें सी उसके बाद आपने करना है ए और बी के दरमियान में जो एंगल है उसको लिखना है उसी तरह वो भी माइनस आ जाएगा हमने किसके दरम्यान एंगल देखना था ए और सी के दरमियान हाँ जी ए वेक्टर और सी वेक्टर के दरमियान में ये देखें सी को एक्सटेंड किया सी और ए के दरमियान में कौन सा एंगल है पाई माइनस बी और यही वैल्यू हमने यहां पर पुट की है A और C के एन एंगल क्या है पाई माइनस बी डॉट प्रोडक्ट का यही फॉर्मूला आता है ए मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड एंड कोज ऑफ थीटा वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी तो यहाँ पर पाई माइनस बी है इसलिए लिखा जो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई एग्जाम्पल है एट का फर्स्ट पार्ट वो आपने खुद सॉल्व कर लेना है वो भी इन्ही लाइन पे है सॉल्व हो जाएगी और ट्वेल्व uh, का फोर्थ पार्ट वो भी आपने खुद करना है ओके okay.